हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइक रॉकर्स। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल बाइक रॉकर्स पे। आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज हमारे पास है होंडा SP125 BS6 और जो दूसरी बाइक है वो है होंडा Shine 125 BS6। दोनों 125 सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, 125 सीसी की। दोनों ही बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं अपने सेगमेंट में और बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं कि होंडा SP125 BS6 परचेस करें या होंडा Shine BS6 परचेस करें। तो आज मैं उनको पूरा बता दूंगा, उनके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में कि उनको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए और कौन सी बाइक लेनी है तो क्यों लेनी चाहिए, उसके क्या रीजन्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये देख लीजिए, ये होंडा Shine 125 BS6 है, ये भी जस्ट लॉन्च हुई है। तो मैं आप इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंशिएट बता दूंगा, प्राइसिंग, परफॉर्मेंस, माइलेज वाइज पूरा डिफरेंस बताऊंगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोनों ही बाइकों में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो अगर गाड़ी की हम फ्रंट से बात कर लें तो दोनों ही गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं है। आपको 18 इंचज़ के ही टायर देखने को मिलेंगे 80/100 के, और आपको इसमें डिस्क और ड्रम का वेरियंट मिलेगा और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन साथ आती है गाड़ी। और उसके बाद अगर हम इसका LED हेडलैम्प, जो सबसे बड़ा बिग पॉइंट है जो इसको डिफरेंट बनाती है होंडा Shine 125 BS6 से, आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छा लगता है ये आपको। और ये बहुत ही पावरफुल हेडलैम्प है, मैंने इसका नाइट विजन टेस्ट भी दिया, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ये जो इसका LED है बहुत ही पावरफुल है और आपको ये लो बीम हाई बीम दोनों में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और इसमें आपको नॉर्मली बल्ब के साइड वाले इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, ये आपको होंडा साइन में भी देखने को मिलेंगे, जो कि कोई बड़ा चेंज नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम होंडा Shine 125 BS6 की बात कर लें तो ये भी आपके 18 इंचज़ के अलॉय के साथ आता है, 80/100 के। इसमें आपको देखने को मिलेंगे टायर, और ये हमारे पास डिस्क वेरियंट वाली गाड़ी है, इसमें आपको ड्रम का भी ऑप्शन मिलता है, जो नॉर्मली पूरा 125 SP से एकदम सेम है, जो BS6 SP है। और इसमें आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और देख सकते हैं साइड में रिफ्लेक्टर, जैसा आपको SP125 BS6 में देखने को मिला था, पूरा ही सेम इसमें आपको अब देखने को मिलेगा। और दोनों ही गाड़ी में आपको MRF के टायर देखने को मिलेंगे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आपके फ्रंट से पूरी ओवरऑल गाड़ी सेम आती है। जो बिग चेंज है वो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको नॉर्मली हाइलोजन बल्ब देखने को मिलता है, होंडा ने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। और ये वी शेप का देख सकते हैं लुक, जो गाड़ी को इन्हेंस करता है, और यहाँ पर क्रोम जो टाइप ऐड कर दिया गया है। और बाकी आपको नॉर्मली बल्ब वाले साइड के इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और इसमें जो एक प्रॉब्लम है ये है कि, मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें हाइलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे, और आपको जो होंडा साइन की जो ये बात है, अगर इसमें भी आपको LED वाले हेडलैम्प देखने को मिलते हैं तो ये पूरी तरह से कॉम्पिटिट कर देती। LED हेडलैम्प बिग पॉइंट है SP125 BS6 की। और अगर हम हैंडल बार की बात कर लें तो आपको नॉर्मली हैंडल बार देखने को मिलेगा। और इसमें जो एक आपको अच्छा फंक्शन देखने को मिलता है, जो होंडा SP125 BS6 में आया है, ये आपको इंटीग्रेटेड स्विच देखने को मिलेगा। आपका हाई बीम, लो बीम, पास पास तीनों आपके एक ही स्विच से इंटीग्रेटेड किए गए हैं। आपका ये एक ही स्विच है, इससे आपके तीनों चीज़ काम करेंगे। अभी हमारी गाड़ी लो बीम पे है और ये आपका ये पास पास की तरह काम करेगा, तो ये बहुत अच्छा काम किया गया है होंडा SP125 BS6 में, कि आपको एक स्विच से ही आप तीनों चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ये नॉर्मली होंडा साइन में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। और बस आपको ये देख सकते हैं, आपको ये इंजन किल स्विच दे दिया गया है, ये सेम चीज़ होंडा साइन में भी आपको मिल गया है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ पहले होंडा SP125 BS6 आई, उसके बाद होंडा 125 साइन आई है BS6। तो दोनों ही ओवरऑल 125 CC गाड़ी हैं और दोनों में ही आपको अच्छा चीज़ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर में बहुत ज़्यादा फंक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको फुली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा, इसमें आपको यहाँ पे किलोमीटर, टाइम, गियर और आपकी माइलेज कितना गाड़ी देती है वो बताएगा, कितने किलोमीटर आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल है कि और आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है वो चीज़ बताएगा आपको ये। और उसके बाद आपका फ्यूल टू एम्प्टी बताएगा और आपका किलोमीटर एवरेज बताएगा कि करंट में आपको कितना किलोमीटर आपको गाड़ी एवरेज दे रही है, और अभी अभी तक आपने जितनी गाड़ी राइड की उसमें आपको कितना एवरेज मिला। और ये आपको ये गियर वाला सिस्टम है जो बहुत ही सही है, आपको यहाँ पे गियर आपको बताएगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, उसके ऊपर में आपको ये इको मोड है जो बहुत ही सही है। आप गाड़ी को अपने 40-50 की स्पीड में रखेंगे तो आपका ये इको मोड ब्लिंक करेगा और आपकी गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। ये एक सबसे बड़ा बिग एडवांटेज जो होंडा SP125 BS6 में आपको देखने को मिलता है, एक यही कि आपको इसमें फुली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है,
जो इसे बहुत ही एडवांटेज और बहुत ही बिग पॉइंट के आगे निकाल देता है होंडा साइंस BS6 से। तो जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको इसमें ये फुली डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। ये होंडा साइन 125 BS6 है, आपको इसमें भी आपको सेम स्विच देखने को मिलेगा जो SP125 BS6 में देखने को मिला था। ये इंटीग्रेटेड स्विच है, ये आपका तीनों फंक्शन एक साथ काम करेगा। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, देख लीजिए, ये लो बीम हाई बीम पास पास सारा तीनों फंक्शन आपका एक साथ काम करेगा। इसमें भी आपको सेम वैसे स्विच देखने को मिलते हैं और सेम आपको हॉर्न प्रोवाइड होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड स्विच, इंजन किल और इलेक्ट्रिक स्टार्ट, जो आपको SP125 BS6 में देखने को मिलता था वही आपको इसमें आपको सेम मिलेगा। बस आपको हैंडल बार में उसमें कॉर्नर पे प्रोटेक्शन मिलती थी, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं एकदम नॉर्मल एनालॉग वाला स्पीडोमीटर मिला है, और आपको फ्यूल वाला भी आपको नॉर्मल एनालॉग वाला मिला है। और आपका इंडिकेटर यहाँ ब्लिंक करेगा और आपका ये हाई बीम ब्लिंक करेगा। और यहाँ पे न्यूट्रल साइन है और देख सकते हैं आपको नॉर्मली, और यहाँ पे एक FI आपका ब्लिंक करेगा, देख सकते हैं। बस आपको यही सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है और कुछ खास आपको और देखने को नहीं मिलता है। तो होंडा SP125 BS6 एडवांटेज ले लेता है स्पीडोमीटर में, उसमें आपको बहुत ही फंक्शन देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात कर लें इसके साइड पैनल और फ्यूल टैंक की, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको 10.5 लीटर कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, और आपको होंडा SP125 BS6 में आपको 11 लीटर का मिलता है, 0.5 लीटर का फ़र्क है, बहुत ही बड़ा फ़र्क नहीं है। और आप साइड से गाड़ी के लुक देख सकते हैं, गाड़ी आपको एकदम बिल्कुल ही सेम मिलती है देखने में। और इसमें जो चेंज किया गया है साइन में, वो आपको इसमें 5 गियर देखने को मिले हैं, 5 गियर आपको SP में भी मिलते हैं इसके पाँचों, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें भी आपको 5 गियर देखने को मिल गए हैं, लगभग दोनों में ही आपको 5 गियर देखने को मिलते हैं, और सेम इंजन के साथ दोनों गाड़ी आती हैं। इंजन वाइज चेंज नहीं है, आप पावर वाइज भी चेंज नहीं है, लगभग 0.5 0.6 का फ़र्क होगा। ओवरऑल दोनों ही FI इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, और इसमें आपको सेल्फ हटा दिया गया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एकदम दोनों ही गाड़ियाँ स्मूथली स्टार्ट हो जाती हैं। मैं आपको वीडियो में स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा गाड़ी को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। होंडा ने बहुत अच्छा काम किया दोनों गाड़ियों पे ही। और ये आप देख लीजिए, ये साइन है होंडा की, और आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपको SP125 BS6 में भी आपको यही सेम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक मटेरियल ऐड कर दिया गया है, जो भी आपके बैक में लेडीज़ बैठे हैं उनके कपड़े उपड़े ना जाए टायर के पास, इसके लिए, ये जो बहुत अच्छी बात है। और आपको ये सेम चीज़ होंडा SP125 BS6 में भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियाँ ही सेम आती हैं इंजन वाइज और लुक वाइज, जैसे जो डिफरेंस लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है होंडा SP125 BS6। और इंजन भी आपको दोनों में सेम देखने को मिलता है, तो ओवरऑल कोई आपको इंजन वाइज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में। दोनों ही गाड़ी सेम इंजन के साथ आती है, 125 CC इंजन है दोनों में ही। और आप देख सकते हैं यहाँ पे BS6 की ब्रांडिंग और 125 लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे काम किया गया है होंडा के थ्रू। आप देख सकते हैं ये होंडा की क्रोम वाली फिनिश आपको ये दोनों में देखने में मिलेगी, 125 BS6, और जो यहाँ पे एक ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इनहेंस स्मार्ट पावर। ये आपकी गाड़ी को एकदम बिल्कुल ही स्मूथली स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल ही आराम से, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, होंडा के थ्रू बहुत अच्छा काम किया गया है। और देख सकते हैं आपको साइन नॉर्मल बैचिंग देखने को मिलेगी, साइन आपको और कोई चेंजेस और ओवरऑल नहीं मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आप होंडा SP125 BS6 का लुक देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साइड में मटेरियल ऐड है जो बहुत अच्छा है, और आपको इसमें 11 लीटर कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, 0.5 लीटर ज़्यादा है। और आपको ये ग्लॉसी फिनिश वाली फ्यूल टैंक देखने को मिलती है, जो लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। और ये गाड़ी FI टेक्नोलॉजी साथ आती है, जो सेम आपको होंडा SP मिलता है, और इसमें आपको फ्यूल का जो वेस्टेज है दोनों गाड़ियों को रिड्यूस हो जाएगा, आपको अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा माइलेज दोनों गाड़ी को देखने को मिलेगा। लगभग आपको दोनों गाड़ियाँ 60-65 का माइलेज दे सकती हैं, दोनों में ही आपको पावर है दोनों इंजन में, कि दोनों इंजन सेम 125 CC के इंजन हैं FI वाले। और इसमें आपको जानते ही होंडा ने ESP टेक्नोलॉजी दे दी गई है, तो आपको इसमें भी ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि गाड़ी को बहुत ही स्मूथली बहुत ईजी स्टार्ट कर देगी बिना कोई साउंड प्रोड्यूस किए हुए, कि जो कि एक बहुत अच्छा काम होंडा अपनी गाड़ी के साथ कर रहा है। आपको ये होंडा SP125 BS6 में देखने को मिला था, उसके बाद होंडा साइन मिला है। और ये गाड़ी भी आपको 5 गियर के साथ मिलेगी, आपका 1 गियर आगे लगेगा, 4 गियर पीछे लगेंगे, और जो कि सही चीज़ है, दोनों ही आपको ओवरऑल गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। और आपको इसमें 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, आपको अच्छी बात है। और आपके ये देख सकते हैं आपको इसके जो स्पीडोमीटर में मिलता है उसके ये पूरे सेंसर यूनिट्स हैं यहाँ पे इसका, और एक ये ग्राफिक्स वाली कलर देख सकते हैं, ग्राफिक्स वाइज गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसका आप ग्राफिक्स फिनिशिंग देख सकते हैं साइड में, और यहाँ पर आपका सीट यहाँ से ओपन होगा,
और आपको इसमें भी आपको स्प्रिंग लोडेड वाली सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपको साइन 125 BS6 में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो कि दोनों में ही आपको सेम देखने को मिलते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं, आपको यहाँ भी प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे साइन में BS6 में मैंने आपको दिखाया, ये फाइबर की प्रोटेक्शन है। ओवरऑल आप बैक से इसका इंडिकेटर देख सकते हैं, और मैं आपको इसका टेल लैम्प भी दिखा दूँ। नॉर्मली आपको ये बल्ब वाले ही मिलेंगे, और इसमें थोड़ी आपको देख सकते हैं डिज़ाइनिंग की गई है, और आपको एक नंबर प्लेट के लिए भी अलग से मिलेगा, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और जो कि बहुत ही सही चीज़ है। ओवरऑल गाड़ी बहुत ही सही है, और पीछे से आपको ये वी शेप टाइप का मिलता है, ज़्यादा स्पेसिस लगता है। और आपका जो इसका एक अच्छा पॉइंट है, ग्रैब हैंडल आपको ये रबर वाला मिलता है, जो कि अच्छी बात है। इसमें स्क्रैच स्क्रैच कुछ उस टाइप का आपको नहीं लगेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और बैक में भी आपको 18 इंचेस वाले ही देखने को मिलते हैं टायर, जो दोनों आपको सेम दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसके एलॉय में डिज़ाइनिंग अच्छी की गई है। आप ये देख सकते हैं मेरे वीडियो में, इसका जो एलॉय है ये अच्छा डिज़ाइन में देखने को मिलता है। और आपका ये साइलेंसर पे, इस पर डुअल कोटिंग की गई है, देख सकते हैं, एक ब्लैक और एक ये सिल्वर की अच्छी डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, जो कि डिफरेंस बनाता है होंडा SP125 BS6 को। और आप साइड से देख सकते हैं, यहाँ पे SP125 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको BS6 की मिलती है, जो कि सेम है। और अब होंडा साइन BS6 का देख लीजिए, इसमें आपको जो इसका साइलेंसर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें आपको थोड़ा बड़ा बड़ा साइलेंसर देखने को मिलता है SP125 BS6 के मुकाबले। और देख सकते हैं इसका जो ये सिल्वर प्लेटिंग है, पूरा लास्ट तक एक्सटेंड कर दी गई है। और इसमें आपको सेम टायर वही देखने को मिलेगा, इसके अलॉय में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन ही है। देख सकते हैं आपको SP125 BS6 के अलॉय में थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलती थी, जो कि इसमें कुछ और डिज़ाइन नहीं है, इसमें नॉर्मली आपको है। और आपको ये CBS ब्रेकिंग साथ आती है, और MRF के दोनों ही गाड़ियों में आपको टायर देखने को मिलेंगे, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और नॉर्मली आपको ये देख सकते हैं, आपको नॉर्मली टेल लैम्प देखने को मिलेगा, और नॉर्मली आपके ये साइड के इंडिकेटर भी हैं, और आपको ये रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और ये लाइट आप चेक कर सकते हैं, ये डे कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको वही वी शेप टाइप का ही मिलेगा, और आपका यहाँ पे नंबर प्लेट प्लेस्ड होगा। और सीट में अच्छी कुशनिंग की गई है कंपनी थ्रू, और इसमें ग्रैब हैंडल में आपको कोटिंग नहीं मिलेगी, जो कि आपको उसमें मिलती थी SP125 BS6 में। इसमें आपको नॉर्मली ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। अगर हम इसे कन्फर्मेशन की बात कर लें, तो 2 12 85 में आपको इसमें व्हील बेस देखने को मिलता है, ये साइन 125 BS6 है। और विथ की बात करें तो 737 mm का है, और SP125 में 785 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm का है BS6 साइन में, और SP में 160 mm का है, 0.2 mm ज़्यादा है इसमें। सीट हाइट 791 mm की है, उसमें 790 mm की है। ओवरऑल गाड़ी में बाकी सब सही है, बस आपको जो एक डिफरेंस देखने को मिलता है यूज़ डिफरेंस, वो इसके विथ में मिलता है, इसमें 785 mm का विथ देखने को मिलता जी, है। इसके बाद ये मैं प्रेस किया ये बटन, देखिए इसका मोटर कितना स्लो है, एकदम स्मूथली आपकी गाड़ी को स्टार्ट कर देगा, और यहाँ से आप अपने क्विक स्विच की मदद से बंद भी कर लेंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ में ऐड की गई है। ये गाड़ी का अगर आप प्राइस की बात कर लें, तो ये लगभग आपको 89,000 के आसपास ऑन रोड पर मिल जाएगी। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको गाड़ी स्टार्ट कर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कितनी स्मूथली गाड़ी स्टार्ट हो गई। और मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी दिखा देता हूँ, और यहाँ से आप इसे इंजन के लिए स्विच से ऑफ भी कर सकते हैं। एक बार और मैं आप सभी को फिर से स्टार्ट कर दिखा देता हूँ, आप देखिएगा साउंड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगी, इसमें जो सेल्फ आपको रिमूव कर दिया गया है। देख लीजिए गाड़ी स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात कर लें, तो आपको इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलती है, एक ड्रम और एक डिस्क। अगर हम इसके ड्रम वेरिएंट की बात करें, तो 67,857 रुपीज़ इसके ड्रम वेरिएंट की प्राइस है, और अगर हम इसके डिस्क की बात कर लें, तो 72,557। ये दोनों अगर हम होंडा SP125 BS6 की प्राइसिंग की बात कर लें, तो अगर हम इसके एक्सोरूम प्राइस ड्रम और डिस्क की बात कर लें, तो ड्रम आपको 72,900 रुपीज़ में मिलेगा, और डिस्क 77,100 रुपीज़। ये दोनों ही मैंने आपको प्राइस एक्सोरूम बताया, दोनों इसके एक्सोरूम प्राइस है, लगभग 5,000 रुपीज़ साइन से ज़्यादा हैं, साइन 125 BS6 से। और इसमें जो आपको एक प्लस पॉइंट जो आपको मेन में देखने को मिलता है, वो इसका LED वाला हेडलैम्प, और आपको जो इसका इस पूरा स्पीडोमीटर कंसोल है, ये बहुत ही बड़ा पिक पॉइंट है। अभी तक 125 CC किसी भी गाड़ी में आपको ये देखने को नहीं मिला है, तो बिल्कुल ही आप इस गाड़ी से जा सकते हैं अगर आपका बजट हो, क्योंकि जान ही रहे हैं दोनों ही गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ आपको हल्का फुल्का डिफरेंस इंजन वाइज देखने को मिलता है, और जो मेन दो डिफरेंस है वो आपको यही देखने को मिलते हैं।
तो जो ओवरऑल डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। आप साइन के साथ भी जा सकते हैं, साइन भी लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है। इसका एक पिकअप ही बहुत बड़ा बिग पॉइंट बना रहा है साइन का, और 125 cc की बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक है इंडिया में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आता रहूं। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप इन दोनों में से किस बाइक के साथ जाना चाहेंगे। मैं तो SP125 BS6 के साथ जाना चाहूँगा, कि उसमें आपको LED वाला हेडलैम्प, भले 5000 रुपये प्राइस ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो आपको लुक मिलती है और जो उसका स्पीडोमीटर कंसोल मिलता है वो बहुत ही बेस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।